जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा सिक्स विषय गणित, दिनांक 3 मार्च 2020, अध्याय 4 आधारभूत ज्योमितिया, ज्योमितीय अवधारणा है। आधारभूत ज्योमितीय अवधारणा है। आधारभूत ज्योमितीय अवधारणाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है बिंदु। बिंदु ज्योमितीय का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। शब्द ज्योमिति या ज्योमेट्री यूनानी शब्द जियो मेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो जिया का अर्थ है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ है मापना, भूमि को मापना। जैसे मापना इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्योमितीय अवधारणा है, संभवतः कला वास्तु या शिल्प कला और भूमि मापन की आवश्यकता कारण विकसित हुई। जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था, राजभवनों, महलों, मंदिरों और झीलों, बांधों और नगरों की निर्माण कला और वास्तुकला का शिल्प में इस अवधारणाओं को और उजागर किया। कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में ज्योमितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। इंजीनियरिंग में जैसे वस्तुओं में जैसे बक्सा, पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए जो डिब्बे, गेंद जिसमें आप खेलते हैं, उनका प्रयोग भी इन सभी वस्तुओं में भिन्न भिन्न आकार में होते हैं। जैसे सर्वप्रथम आता है बिंदु। कागज पर हम एक पेंसिल के नकुले सिरे से एक चिन्ह, जिसको हम डॉट कहते हैं, डॉट, जैसे ये बिंदु है, सिरा जितना नुकीला होगा उतना चिन्ह सूक्ष्म और छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है। बिंदु को हम पॉइंट भी कहते हैं। बिंदु को हम पॉइंट भी कहते हैं। एक स्थिति और अवस्थिति लोकेशन निर्धारित करता है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार है। प्रकार का सिरा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम प्रकार बनाते हैं, जैसे ये जैसे मान लीजिए प्रकार है और यहाँ पर एक पेंसिल को हम जैसे ये पेंसिल है, जैसे ये एक पेंसिल है, पेंसिल के माध्यम से पेंसिल का जैसे
प्रकार का सिरा या पेंसिल या सुई सुई का सुई का नुकुला नुकीला सिरा के माध्यम से हम इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे पॉइंट ए बी और पॉइंट सी, जैसे देखिए प्रकार का सिरा पेंसिल का नुकीला नुकीला सिरा और जब हम बिंदु, यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए तीन बिंदु अंकित करते हैं ए बी और सी, तो आपको इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी में हम दर्शाते हैं। इन बिंदुओं को बिंदु बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी पढ़ा जाता है, और बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। बिंदु हमेशा निसंदेह छोटे होने चाहिए। उसी प्रकार आता है, उसके बाद में फिर आता है रेखाखंड। बी रेखाखंड रेखाखंड जिसके अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम एक बनाते हैं जिसके अंतर्गत जैसे ए और बी हम दर्शाते हैं। जैसे देखिए रेखाखंड के अंदर एक कागज को लीजिए, फिर उसे खोल लीजिए, आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है। कागज के अंदर जब हम मोड़ लेते हैं उसके अंदर हमको एक चिन्ह दिखाई देता है, निशान। इसमें एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके दो बिंदु अंत बिंदु एंड पॉइंट ए और बी है। एक पतला भाग या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़ लीजिए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। ये एक रेखाखंड निर्मित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंदु है। रेखाखंड के कुछ उदाहरण है, जैसे बक्स का एक बक्स का किनारा एक बक्स का किनारा एक ट्यूबलाइट एक ट्यूबलाइट एक पोस्ट कार्ड का किनारा। जैसे देखिए एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हम एक रेखा खींचते हैं,
जैसे ए और बी, जैसे मान लीजिए ए और बी हमने एक चित्र खींचा, जैसे मान लीजिए जिसके अंतर्गत जैसे हम ए और बी, हम ए से बी का सबसे छोटा रास्ता क्या है, ए और बी को जोड़ने वाला ये सबसे छोटा रास्ता बताया गया है। बिंदु ए और बी भी सम्मिलित को संलग्न आकृति, जैसे हम 4.1 में देखते हैं उसके अंदर एक रेखाखंड है, जैसे ए से बी इसे इसे हम एक रेखाखंड इसे ए बी या बी ए से वक्त एक रेखाखंड से ए बी या बी ए से व्यक्त किया जाता है। बिंदु बिंदु ए और बी इस रेखाखंड में बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु है। अंत बिंदु है तो हम एक रेखाखंड इसे ए बी या बी ए से व्यक्त किया जा सकता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु है।